सूरज जी, जब आपको ये कार्ड मिले तो समझना मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन मेरे प्यार की ये निशानी मेरे होने का एहसास करवाएगी। वो आई नहीं सूरज जी, वो आई नहीं सूरज जी, आपकी बड़ी याद आ रही है। अंकल अंकल, मेरे को लड्डू चाहिए। हाँ अंकल, मेरे को खिड़की में देखना है। अब और छुपाया नहीं जा सकता, एक्शन लेना ही होगा। भाई जी माफ करना, ये बच्ची थोड़ी गौतम जी, आपको डॉक्टर है, देखिए ना इसको। क्या हुआ सिर्फ? इन्फॉर्म द पायलट यार, प्लीज, ये मर चुका है। जल्दी यार, स्वीटी कहाँ है? एवरीबॉडी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पता नहीं सब यहाँ आप लोग शांत हो जाइए, मैं भी पायलट को इन्फॉर्म करके आती हूँ। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये प्लेन हमने हाईजैक कर लिया है। सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर करो, चलो। और अपनी जगह पे बैठो, यू बैठो अपनी जगह पे। जैसा मैं कह रही हूं वैसा करो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये दिशा जी कहां रह गई? और तुम बिजनेस क्लास में बैठे हुए सारे पैसेंजर्स को यहाँ लेकर आओ, और कोई भी चालाकी की तो ये सारी की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में डाल दूंगी। मूव 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 मूव, कोई चालाकी नहीं। तुम लोग चलो अपने हाथ ऊपर करो। ओ अंकल, हाथ ऊपर, जल्दी 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 मूव, जल्दी, चला नहीं जा रहा क्या? तू आ, चल यहाँ पे खड़ी हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें हमारा काम करने दो। मजबूर मत करना कि हम गोली चलाएं, वरना एक एक को गोली मारकर यहाँ लाशें बिछा दूंगी मैं। समझ में आई बात? होशियारी दिखाई ना तो ये सारी की सारी गोली सीने में उतार दूंगी।
गन दिखाओगे हम डर जाएंगे? हम इस संघ को इतना कमजोर मत समझो तुम। ये आपने बहुत अच्छा किया। इस बहादुरी के साथ इस आतंकवादी से हमने रिवॉल्वर छीनी है ना, इससे हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। ये बहुत अच्छा किया आपने। सूरज, ये क्या मजाक कर रही हैं आप? सूरज, ए बुढ़िया, पीछे 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 पीछे, सूरज। चलो तुम सब हाथ ऊपर करो। कहानी में थोड़ी ट्विस्ट आ गई है। ये मजाक नहीं है, ये प्लेन हमने हाईजैक कर लिया है और ये हमारे साथ है। देश में अशांति फैलाने और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की वजह से तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी और अब ठीक 10 मिनट बाद तुम्हें फांसी होगी। राजकुमार की फांसी को सिर्फ 10 मिनट है और इन लोगों का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तुम्हें पता तो है सनी बॉय कि मैं कितनी शरारती हूं। बैड लक। तो ये सब दुबई फूड फेस्टिवल, मेरा वहां पे जाना, मेरे साथ भावों का चतरी का, ये सब तुम्हारा षड्यंत्र था। जिस थाली में खाया उसी में छेद, इतना बड़ा धोखा आज दिन का सांप कहेंगे। सही तो समझे पर बहुत देर से, पर अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने तुम्हारे घर में वैसे ही एंट्री मारी थी जैसे राजकुमार ने ली थी। हद है ना, एक बार धोखा खा कर भी तुम सुधरे नहीं। सूरज राठी, संतोष राठी, जिस खतरे को तुम्हारी संध्या राठी गली गली ढूंढ रही थी वो एक्चुअली तुम्हारे घर में ही मौजूद थी। तू आतंकवादी है रे माला राम जी? रे जे तो मारे घर आ रही थी, मारे छोरे ने बेवकूफ बनाया इसने, इसने हम सबको धोखा दिया। हे मारा राम जी, मारे से इतनी बड़ी गलती क्या हो सके? तो क्या करती मैं? ऐसे सीधे सीधे हमें अपने घर में तो घुसने नहीं देती तुम, और तुम्हारे घर से ज्यादा सुरक्षित जगह हमारे लिए कोई और नहीं हो सकती थी, क्योंकि तुम्हारा जो राठी परिवार है ना, वो दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। और वैसे मुझे ज्यादा कुछ करना पड़ा नहीं, तुम्हारा वो जो बेवकूफ विक्रम है ना, वो तो खुद ही अपनी पत्नी से दूर था, बस चलाया मेरे पास, और उससे ज्यादा बेवकूफ तो तुम निकले जो बिना सोचे समझे मुझे अपने घर के अंदर ले गए।
घर में आईपीएस ऑफिसर के होने के बावजूद दो दो आतंकवादियों ने पनाह ले रखी थी, पर तुम लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस बात के लिए तो तुम लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए। अब तक आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये परिवार कितने बड़े दर्जे का बेवकूफ है। प्रेमा, वो हमारी बेवकूफी नहीं थी बल्कि हमारी इंसानियत थी। इंसानियत हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। अपना मुंह बंद रख सनी बॉय, वरना तेरी ये इंसानियत इन सब पर भारी पड़ेगी। हो सकता है तुझे इसकी कीमत भी अपनी जान देकर चुकानी पड़े। सूरज, ए बुढ़िया, मारो सूरज। सूरज, पीछे। कितनी बार बोलूं तुझसे, हाँ? पीछे। हाँ हाँ तो जा, बंदूक है उनके पास। चल मुड़, अबे मुड़, मूव, चल चल अपनी सीट पे। एंड यू, यू इधर आ। और तुम सूरज, सूरज छोड़। इतनी नुकीली चीजें हैं, वो इस ट्रे में कलेक्ट करो। सारी नुकीली चीजें इसमें आनी चाहिए। सब लोग अपनी अपनी चूड़ियां, अपने पास जो भी है सब इसमें डालो। चलो वो, और तुम इधर आओ। अभी तो सिर्फ हाथ पे गोली चलाई है, ज्यादा दिमाग खराब किया ना तो सारी की सारी तेरी खोपड़ी में डाल दूंगी। जितनी भी नुकीली चीजें दिखे बिजनेस क्लास से जाकर लेकर आओ। मूव मूव। सबसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी क्या कि सामान निकालो? हाँ, फटाफट जो भी है, कड़ा, चूड़ी, अंगूठी, घड़ी, सब कुछ निकालो। ए बुढ़िया, सुना नहीं दे रहा क्या? वो बैंगल भी। पैसेंजर सेक्शन में मेरी बात कराओ। कम ऑन, डू इट एज आई से। ओके, पीछे बैठ, यहां बैठ। ओए चल, यहां बैठ, इधर बैठ, उधर बैठ, उधर बैठ, बैठ उधर। भारत सरकार को नींद से जगाने का वक्त आ गया है। अब तक आप जान चुके होंगे कि ये प्लेन हमने हाईजैक कर लिया है। हमने भारत सरकार को अपनी डिमांड बता दी है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने राजकुमार की फांसी रोकी है या नहीं? शायद वो हमारी धमकी बहुत हल्के में ले रहे हैं। एयर कमांडो और एक एयर होस्टेस को हमने मार दिया है, और अब हम एक और मौत का तोहफा देने जा रहे हैं सरकार को। प्रेमा, हमारे अगले तोहफे को यहाँ कैबिन में लेकर आओ। थप्पड़ याद है? मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे भी याद ही होगा। अब टाइम आ गया है बराबरी का। उस वक्त मैं मजबूर थी, इस वक्त तू मजबूर है। चल चल, बाबू को मत ले जाओ। जब तक मैं जिंदा हूं ना, तब तक अपनी बाबू को प्यार भी रहने दो, समझे? तो लगता है जिंदगी से आपका प्यार खत्म हो गया है जेठ जी, इसीलिए सास और बहू के बीच में आ रहे हैं। मैं प्रेमा नहीं हूँ। मेरी एक गोली और तेरी जिंदगी खत्म। हट जा छोरा, मारे को जान दे। ऐसे कैसे? ना ना छोरा, ना छोरा, मारे को लेकर जा। मैं चलूँगा। ना ना, नाटक करते हो यार तुम लोग। प्रेमा, ये माँ बेटे का प्यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक काम करो, इन दोनों को साथ में ले चलो। वैसे भी एक मरेगा तो दूसरा जिंदा नहीं रह पाएगा।
दोनों का साथ में काम तमाम करते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। याद करते तुम लोग मेरे को, बोला हिचकी मार मार के गले का कौवा बैठ गया। बहुत मिस करते ना तुम लोग, रिवर्स गियर डाल के वापस इधर ही आ गया मैं। ए गेंदा गुलाब, ये मैयत के फूल कितने के पड़ेंगे? अभी फटाफट तुम लोग भी जुड़ने का, फूल धमाल होने वाला है। उड़ने की आशा इस मंगलवार से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।